SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है और इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है। लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। भारत बंद का कांग्रेस, RJD, JMM समेत कई पार्टियों ने समर्थन भी किया है। तो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। बहरहाल प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, लेकिन बंदी का असर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सड़कों पर उतर चुके हैं और भारत बंद को सफल करने में जुटे हुए हैं। दरअसल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया और कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इसका समर्थन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के खिलाफ आज दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। पटना के हर चौक चौराहों पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल, ब्रज वाहन और वाटर कैनन की तैनाती की गई है और आज के भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। गाड़ियां अपनी रफ्तार में बढ़ रही है, जनजीवन सामान्य नजर आ रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारत बंद का जायजा लिया News18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बंद का ऐलान किया गया है और तमाम दलित संगठन, SC ST और अंबेडकरवादी जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। और इसके जो मुख्य कारण बताए हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उसके खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। और अभी हम खड़े हैं पटना के डाक बंगले चौराहे पर और आपको स्थिति दिखाते हैं कि भारत बंद का कितना असर आज पड़ रहा है। अगर तस्वीरों में आप अगर देखें तो भारत बंद का आज पटना में लगभग नहीं के बराबर यहां पे कोई असर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल यातायात जो है वो अपनी तरह से चल रहा है और कहीं से भी कोई इसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ ये कल ही हिदायत दी थी कि किसी को भी अगर ये प्रदर्शन करना है, बंद करना है, तो संवैधानिक ढंग से बिना कोई असामाजिक तत्व फैलाए हुए आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन अगर कहीं से भी असामाजिक तत्व घुसे या फिर यहाँ पे किसी तरह से जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। और उसकी तैयारियों की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पटना में लगभग हर चौक चौराहे पर बड़े संख्या में जो पुलिस बल है वो लगाए गए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से जो पुलिस के जवान हैं वो खड़े हैं, तैनात किए गए हैं। यहाँ पे वज्र वाहन जो है वो भी लगाया गया है, वाटर कैनन लगाया गया है ताकि अगर इसकी जरूरत पड़े तो तत्काल इसकी उपयोग में लाया जा सके और कार्रवाई किया जा सके। लेकिन अगर असर की अगर बात करते हैं तो ना रेलवे स्टेशन हो ना यातायात हो, कहीं पर भी भारत बंद का कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। पटना से कैमरामैन दीपक के साथ रवि एस नारायण, News18 पटना। तो राजधानी पटना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां भारत बंद का किसी भी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आज भारत बंद क्यों बुलाया गया है, क्यों इसका आह्वान किया गया है, तो इसकी पूरी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दरअसल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से इसका आह्वान किया गया है और देखिए भारत बंद क्यों बुलाया गया है इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। SC ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध है और इसीलिए भारत बंद का आह्वान है। देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों ने इसे बुलाया है क्योंकि ये उनके हित में फैसला है जिसे लागू नहीं किया जाने की बात कही गई। मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग पर भी इस बंदी को बुलाया गया है। इसके साथ साथ SC ST OBC के लिए न्याय समानता की मांग की जा रही है। तो ये ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर आज भारत बंद रखा गया है। अब आपको ये भी जानकारी देंगे कि आखिर वो क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ भारत बंद बुलाया गया। दरअसल सभी SC ST पर आरक्षण की बात कही गई, जाति और जनजाति समान वर्ग नहीं है इसकी भी जानकारी दी गई और कई जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। सीवर, सफाई कर्मी
और कुछ ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया जिनका उदाहरण दिया गया, जिन्हें बहुत सारे ऐसे लाभ पहुंचाए जाने हैं। दोनों जातियां एससी कैटेगरी में आती है और इस जाति के लोग दूसरों की तुलना में अधिक पिछड़े हैं और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए ये सब कैटेगरी बनाने की बात कही गई ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का लाभ मिल सके। तो पूरी जानकारी हमने आपको दे दी कि आखिर आज भारत बंद क्यों रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। बढ़ते आगे, जहानाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बंद समर्थक और पुलिस में झड़प हो गई। ऊटा मोड़ और अरवल मोड़ के पास बंद समर्थक और पुलिस में नोकझोंक हुई। विवाह के बाद कई बंद समर्थक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बंद समर्थकों की ओर से किए गए सड़क जाम को सख्ती से हटवाया और ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य करवा दिया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बंद समर्थक और पुलिस के बीच में कैसे झड़प हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोटे में कोटा का विरोध करने के लिए ये सभी पिछड़ी जातियों के लोग या प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और इनकी मांग है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और इन्हीं के साथ ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद है और उनकी कोशिश ये जारी है कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो, यातायात सुचारू रूप से चले। लेकिन इसका विरोध करने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी डंडे से लैस होकर भी पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, जहां जरूरत पड़ी वहां लाठियां भी चटकाई गई। विपक्षी दलों और आरक्षण बचाव मोर्चा के भारत बंद को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा दिया, वहीं एनडीए के दल बीजेपी और जेडीयू ने पीएम मोदी को आरक्षण का संरक्षक बताते हुए बंद पर निशाना साधा है। यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जो विसंगतियां आई है उसको अध्यादेश के माध्यम से समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल आज के भारत बंद में नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन दिया है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के मामले पर संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिमाग में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि वो कभी भी आरक्षण से वंचित समाज, दलित समाज, ओबीसी की हकमारी नहीं कर सकते हैं। शुरू से वो हमेशा से आरक्षण का विरोध करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एससी एसटी में वर्गीकरण करने का जो उनका मकसद है, जो मंशा है, वो पूरी नहीं है। और बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी उसकी 9वीं अधिसूचना में जल्द से जल्द करे ताकि इन लोगों को फायदा मिले। कि भारत बंद के इस आह्वान में कुछ दल बिना बुलाए मेहमान बनने को उतारू है, इसकी स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। अरे भाई, कभी तो अकल से काम करना चाहिए। यह बंद सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर न्यायालय के फैसले का कोई विरोध कर रहे हैं उसमें सरकार का क्या कर सकती है। वैसे न्यायालय का फैसला पसंद नापसंद से ऊपर होता है, जिसे सभी को मानना ही पड़ेगा। एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण है और रहेगा। पीएम मोदी के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। पीएम मोदी आरक्षण के सबसे बड़े संरक्षक हैं। पीएम मोदी ने लेटरल एंट्री में विसंगतियों को देखते हुए रद्द कर दिया। यह बताता है कि पीएम मोदी एससी एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी हैं। और दानापुर के पुनपुन में आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान बेटा सरमेरा पथ को पुरनैया के पास जाम कर दिया गया है। फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में रोड को जाम कर दिया गया और इस दौरान आरक्षण के नाम पर दलितों के बांटने पर नाराजगी जताई गई। सड़क पर उतरे भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आरक्षण में कोटा तय किए जाने का विरोध कर दिया है। उला क्या पीछे करके उसको लगाइए ना। और नवादा में अनुसूचित जाति संघर्ष मोर्चा के साथ साथ अन्य दलों की ओर से बंद की अपील की गई है। बंद समर्थकों ने शहर के सभी प्रमुख बाजारों को बंद करा दिया, सड़क को जाम कर दिया। नवादा के सद्भावना चौक के पास NH-20 को जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे ट्रैफिक सेवा पर भी गहरा असर पड़ा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस टीम की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की है।
और देखिए आज के बंद को लेकर न्यूज 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है। न्यूज 18 बंद समर्थकों से अपील करता है कि बंद में ऐसा कोई काम ना करें जिससे आम लोगों को परेशानी बढ़ जाए, उनकी समस्याएं बढ़ जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, ऐसा करने से खुद को बचाएं, ट्रैफिक को बाधित करने से बचें और जबरन दुकान को भी बंद नहीं कराएं। आपका विरोध सरकार की नीति से हो सकता है और इसके लिए संसद, विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट है जहां आप अपनी बातों को तार्किक तरीके से रख सकते हैं। और ऐसे में भारत बंद के दौरान किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें, इससे आप जरूर बचें। न्यूज 18 आपसे यही अपील करता है कि किसी भी तरीके से आम लोगों को इसमें परेशान ना होने दें। अगर आप इस बंद के समर्थक हैं तो आप अपनी बात को तार्किक तरीके से रख सकते हैं। संवैधानिक संस्थान है जहां आप जाकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बंदी के दौरान आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। तार्किक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस बंदी को सफल बनाएं।